अतिवृष्टि से जूझ रहे किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए नागपुर के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे विदर्भवादियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे गुस्साए किसानों ने संतरे रास्ते पर फेंक कर अपना रोष व्यक्त करते हुए जल्द किसानों को राहत देने की मांग की। महाराष्ट्र में बेमौसम आई बरसात ने किसानों का बड़ा नुकसान किया। इस बरसात से हुए नुकसान का मुआवजा मांगने जा रहे किसान और विदर्भवादियों को पुलिस ने जिला अधिकारी के सामने से हिरासत में ले लिया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और किसान मुआवजे की मांग करता निवेदन सौंपने जिला अधिकारी कार्यालय जा रहे थे, तभी पुलिस ने विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के संयोजक राम नेवले और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विदर्भ राज्य समिति के जो किसान है और जो नेता है वो फिलहाल अपनी जो जो फसल है उसे जो खराब फसल है वो उसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जा रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो फसल जिनकी बर्बाद हुई है उसका मुआवजा मिले। और आप देख सकते हैं कि उन्हें रास्ते पर रोका गया है ये निवेदन देने के लिए और इनके कुछ कार्यकर्ता है उन्हें भी बाकायदा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो जो महाराष्ट्र में जिस तरह से जो फिलहाल जो सूखा जो गीला जो दुष्काल जो आया है उसके कारण जिस तरह से जो किसान है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है तो उसी कारण वो निवेदन देने के लिए नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आए थे। और उस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है उन्होंने उन्हें रोक दिया है और ये मांग कर रहे हैं कि जो जो फसल उनकी बर्बाद हुई है वो फसल को जो मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है दो जो शिवसेना और भाजपा में जो सत्ता के लिए कुर्सी के लिए जो चल रहा है उसके कारण जो किसान है वो फिलहाल परेशान दिखाई दे रहा है और उनका मुआवजा उन्हें नहीं मिल पा रहा है और जिसके कारण आक्रोशित होकर जो किसान है जो विदर्भवादी जो नेता है वो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आए हैं। तो वही अतिवृष्टि से खराब हुई फसल को लेकर किसान कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने संतरे की खराब फसल को रास्ते पर फेंक कर मुआवजे की मांग की। आंदोलनकारियों ने बताया कि वो शांति प्रिय तरीके से जिलाधिकारी को निवेदन देने जा रहे थे लेकिन पुलिस का बर्ताव उनके लिए शालीनता पूर्वक नहीं था। जोर से आवाज चला रहे बिना वजह, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम अलगाववादी नहीं है, किसानों के समर्थन में उतरने वाले विदर्भवादी है और इनके दादागिरी इनका बेवजह आवाज चढ़ावा और आप बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में ले जाता है, पुलिस स्टेशन में लगा के क्या गोली चलाएंगे क्या? मेरे भी जिंदगी के तहत सब पुलिस वाले शांति से मामला ये है 10 को अलाउ किया फिर जाने से मना कर दिया, हमको पहले उठा के वैन में डालो इनको सदर थाने ले जाओ, हमको हमने स्पष्ट हिदायत दी कि साहब इन बातों में बात नहीं करना, ना हम आतंकवादी हैं ना हम अलगाववादी हैं ना कोई क्रिमिनल हैं, हमको उठाने का तो सवाल ही नहीं आता। आपने बोले 10 लोग को अलाउ करते करके हम चौक से यहाँ तक चलते आए, सब में बड़ी शोकांति का आपने इधर यही है कि किसान यानी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर इस कदर जुल्म ढाया जा रहा है कि अब आम आदमी को भी सचेत होना जरूरी है, किसान के बल पे तुम और हम जीते हैं, ऐसे में ये यहाँ तक करते कि उठा के ले जाओ तो भैया तुम्हारे लिए कश्मीर जगह पड़ी है ना इतनी दमदारी करने के लिए, मेरे भी जिंदगी के 33 साल पुलिस के मौकों में गए हैं, ये बातें अब हम लोग सेना बंद कर रहे हैं, सब में बड़ी बात हम आज सभी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि मीडिया ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज करके उभर रही है किसानों के लिए, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह पे अपनी शक्ति आप स्वयंस्फूर्त तरीके से दो और जल्दी से जल्दी भरपूर रूप में किसानों को मदद मिले ताकि किसी भी प्रकार की आत्महत्या के विचार उनके दिमाग में ना आए। और पाठीचा कणा म्हणजे आपला किसान है और त्याच्यावर अत्याचार तसेच लोक गावात शिकून शहरांकडे पळतायत आणि जो कोणी तिथे आहे त्याला जर आत्महत्या करावी लागली काही वर्षांनंतर तुम्ही आम्ही खाणार काय दगडे धोंडे? जिल्हाधिकाऱ्याला आम्ही भेटलो त्यांना आम्ही विनंती केली
कि तुमच्या स्ट्रॉंग रिमार्क्स सोबत लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत मिळेल या करता करावे। त्यांनी आम्हाला अभिवचन दिलं, त्वरित आम्ही सरकारकडे पाठवतो, कारण तुम्ही निवेदन मुख्यमंत्र्याला दिलेले आहे, हे आमचं निवेदन आहे। तो वही राज्य में जारी कुर्सी की लड़ाई के चलते किसानों की हालत और भी बिगड़ती जा रही है, लेकिन कुर्सी के लालच में सरकार किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया। हे बघा, अजूनही सरकारला जाग आलेली नाही, 41-29 झाले पण सरकार जागी व्हायला तयार नाही। हे अत्यंत बोलने की बात, ये अत्यंत शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ किसान मर रहा है और ये राजपाट पर की गोटियां खेल रहे हैं, जिसको हम हमारा लड़का बाहर करके हम पहला महापौर बना, उस समय उसको बड़े खुशी से ले गए थे, वो इस तरीके के जुल्म यहाँ किसानों पे होने दे रहा है। विदर्भ के प्रति उनका नाम लेना बंद हो गया है। इधर ऊपर से वो दिल्ली से आंखें दिखाई गई तो यहाँ आवाज बंद हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को, विदर्भवादियों को, अपने विदर्भ को यात्रा निकालने वाले मुख्यमंत्री को आपने पूछना है, जनता ने पूछना है। इसलिए मेरा आपसे और जनता से नम्र निवेदन है कि मीडिया का सहारा लो और इन पे भरपूर वजन बनाओ ताकि किसानों को, विदर्भ को न्याय मिले। आम्ही सर कलेक्टरला बोलताना हे सुद्धा सांगितलं की यावर्षी भरपूर पाऊस आला, अति पाऊस आला आणि सतत पाऊस आला, दिवाळी संपली तरी भरपूर पाऊस सुरू आहे, त्याच्यामुळं धान कापून टाकले, जे हलकं धान म्हणतात ते लवकर निघतात, ते हलके धान कापून टाकले, त्याच्या पेंड्या बांध्याईमध्ये आहेत, बांध्यामध्ये तलावासारखे छोटे गाठे असतात, त्याच्यावर पाणी जमा झालं, त्या पेंड्या पाण्यात दबल्या आणि त्या धान सडलं। सर भुईमुंग आहे, भुईमुंग कापून गंजी लावली, तिथं वरूनही पाणी आणि खालूनही पाणी, अजून यांच्या ताडपत्त्या झाकण्यासाठी मिळालेल्या नाहीत सोयाबीनवर, आणि वरूनही पाण्यानी सडल्या, खालून जमिनीतूनही सडल्या, आणि त्या सोयाबीनला दाण्याला कोंब फुटले, पानं फुटले आणि सोयाबीन सडला। दुसरी गोष्ट कापूस सडला, कापसाचे नुसते पानं आणि पात्या आहेत, त्या सडल्या अशा सडल्यासारख्या पिचपिच्या झाल्या आणि त्याच्यामुळं तो कापूसही निघत नाही। इकडे आपलं आता पाहिलं असेल तुम्ही, मोसंबी आणि संत्रे आणले इथं छोटे छोटे आणि ते सडलेले, बिलकुल टमाटर कसा सडते तसा सडलेला, आणि त्याला मार्केटमध्ये 10 पैसे किलो म्हटलं तरी कोणी घेणार नाही। आणि अशी स्थिती असताना, हे माल इथं आणले असताना शेतकरी घरी जेव्हा वापस जाते तर ते त्याची मजूर थांबलेली असतात की 6 महिन्याची मजुरीचे पैसे हा माझा मालक देईल, आणि 12 महिने आपला कुटुंब, 6 जणांचं कुटुंब कसं पोसावं, आपल्या मुलीचं लग्न कसं करावं, घरी गेल्यावर बायको वाट पाहते की दिवाळीचं काहीतरी फटाके आणि काहीतरी किराणा आणेल हा नवरा माझा, तर हा याच्याजवळ काही पैसे नसते, हा रस्त्यावर फेकते माल, आणि घरी गेल्यावर त्याचे मजूर वाट पाहतात, त्याची मुलं वाट पाहतात, शाळेसाठी पुस्तकं आणन, पुस्तकं दप्तर आणन, शाळेची फी आणेल, माझ्यासाठी फटाके आण, हे काही आणत नाही आणि हा वापस जाते। याच्या डोक्यात असं घुळमळत राहते बसमध्ये की मी यांना काय उत्तरं देऊ, या समाजाच्या माझ्या घटकांना यांचं परतफेड कशी करू, बँकवाल्याचे पैसे कसे फेडू, 1.5 लाखाचं कर्ज कसं फेडू, आणि म्हणून हा प्रश्न त्याच्या घुमत राहते, आणि म्हणून घरी न जाता तो डायरेक्ट शेताच्या बांधावर जातो आणि दुपट्टा बांधतो आणि बाबडीला फाशी देतो। हे कोणं द्यावं समाजाने उत्तर? दिवसातून आपण तीन वेळा ठुसूठुसू खातो, पोटं निघाले, कोणाच्या भरोश्यावर निघाले हे पोटं? शेतकऱ्याच्या भरोश्यावर, आणि तो बांधावर जाऊन फाशी देतो कारण त्याला मोबदला काहीच नाही मिळाला, त्यानं रस्त्यावर फेकला माल, कोण याचा जबाबदार आहे? जर तुमची कार विकणारा माणूस, मोटारसायकल विकणारा माणूस, मोटारसायकलचे कार बघचे भाव तो मालक ठरवतो, तर मग शेतकऱ्यांच्या भाव, मालाचे भाव शेतकरी का नाही ठरवत? हा तार्किक प्रश्न, संविधानिक प्रश्न कोणी का नाही विचारत या प्राइम मिनिस्टरला आणि या मुख्यमंत्र्याला? राज्य में जारी राजनीतिक उठक पटक से ये बात तो साफ है कि इसका सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हो रहा है तो वो किसान ही है। मराठवाड़ा में नवंबर महीने के 5 तारीख तक 10 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार तो अपनी कुर्सी ही बचाने में व्यस्त दिख रही है। ऐसे में और कितने किसानों की बलि दी जाने की राहस सरकार देख रही है, यह खुद सरकार को ही पता होगा। कैमरा पर्सन लोकेश मोहते के साथ अमित वांद्रे की रिपोर्ट।